मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी जो रात भर जो मेहनत किया, थोड़ा बहुत रंग लाया कि मैं सोच रहा था पास होऊंगा नहीं होऊंगा वाइवा में। सो फाइनली वाइवा में पास हो चुका हूँ और मार्क्स भी बहुत ही अच्छे खासे मिले। तो अभी मेरा क्लास अभी भी छूटा है और अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ इस टाइम पे, जबकि दोपहर को अभी 1:30 बज रहे हैं। सो क्लास खत्म होने के बाद फोर्थ पैरा भी लगी थी और उसका क्लास लगेगा 24th जनवरी से, तो उसका टाइम है। तो हम लोग अभी आए हैं वेलमार्ट और यहाँ से मेरे को कुछ घर का सामान लेना है, खाने पीने का। और पता ही है, लास्ट टाइम दिखाया था बहुत सारे चॉकलेट्स मिलता है इसमें, तो मैं आया हूँ थोड़ा सा अपना शॉपिंग कर लेता हूँ पर्सनल, फिर मैं। सो अभी तक तो शॉपिंग मैंने यही किया है कि यही है मेरा जो शॉपिंग है। अगर देखता हूँ क्या क्या शॉपिंग करना है अभी। वेलमार्ट आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो हम लोगों ने खाने के लिए अभी ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, क्योंकि यहाँ पे सस्ता पिज़्ज़ा मिलता है थोड़ा सा, तो वही ले लिया है और उसका ऑर्डर भी आ चुका है। सो ये है हमारा ऑर्डर, इसको लेता हूँ। सो ये हमारी ऑर्डर तो आ चुकी है और देखा कि किसी का पैसा गिरा हुआ था और उसके अंदर था लाइक बस का कार्ड, तो वो तो हमारा हो ही नहीं सकता है। तो ये आ गई हमारी पिज़्ज़ा। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और 5:30 बजे अपनी चाय आ चुके हैं और हम अब सारे दोस्त मिलकर चाय पी रहे हैं। आज अभिलाष ने बनाया चाय, तो पूरा बहुत मस्त चाय बनाया है। आजकल अभिलाष शेफ छोड़ के चाय भी मतलब बहुत मस्त बनाने लग गए। सो इट्स टाइम 10:30 हो रहा है और मैंने आज दाल बनाया था और वो खा के जस्ट अभी बैठे हूँ और कल के लिए एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ। कल का व्लॉग भी अभी अपलोड कर देता हूँ क्योंकि कल मेरे को टाइम मिलेगा या नहीं। बाकी पूरे दिन तो बहुत ही अच्छा जा रहा है अभी तक, तो थोड़ा एडिट वेट कर लेते हैं उसके बाद भी। सो खाना पीना होने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था और साइड वाले रहते हैं भैया, वो उन्हें आके फिर बोल रहे थे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब बहुत पहले से चल रहा है, वो एकदम हाइप पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा हाइप पे। सो उसके वजह से थोड़ा सा बोल रहे कि कुछ भी हो सकता है, ध्यान से रहना। हमें क्या ध्यान से रहना है, मतलब जो होगा तो देश अपना देख ही लेगा। बाकी US UK तो है ही इसमें, कोई बोल रहा कि मैं साथ दूंगा, कोई साथ नहीं दूंगा। इंडिया से भी पूछा गया तो इंडिया, मुझे नहीं पता, मुझे जितना सुनने में आया कि बोला है कि न्यूट्रल रहूँगा, मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं आऊँगा। बाकी आपको कैसे पता है, मतलब कुछ पता चला तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। लाइक यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको कहीं से भी न्यूज़ मिल रहा है तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करते रहो और जो भी नया खबर मिलता है आप बताते रहना, क्योंकि मैं इतने मतलब न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो आज किसी ने पूछा तो फिर मैंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। सो प्लीज़ अगर किसी को कुछ भी पता है तो इन्फॉर्म करते रहना और इंडियन लाइक न्यूज़ चैनल में जो जो चीज़ दिखा रहे हैं एटलीस्ट वो सब चीज़ शेयर करते रहना, तो मेरे को एटलीस्ट पता रखते रहेगा कि असली में हो क्या रहा है, लाइक करना क्या चाहते हैं ये लोग। सो यही बोलना था, अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे से प्लीज़ शेयर कर देना। आज इवानो ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 2777 हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है काउंटिंग में, तो फिर मैं बता नहीं पाऊँगा, 2777 कुछ ऐसे ऐसे ये नंबर है जो कि इवानो का कल का लाइक इवानो का कल का कोरोना केसेस था, पॉजिटिव केस। सो यहाँ पे हद से ज़्यादा एकदम से स्पाइक लिया है,
अब तक बहुत सही था, मतलब सही क्या, फिर भी 900 आ रहे थे, ये 3000 के करीब पहुंच गया एकदम से। और आज का पता नहीं क्या आएगा पूरे दिन, वो तो कल पता चल जाएगा। और जो कल का आया है आज, वो 3000 के करीब पहुंच गया और इंडिया एकदम से रेड जोन में आ चुकी है। अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये नहीं पता। अब बहुत सारे इंडियंस बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, वो लोग मास्क नहीं लगाते थे, सो जो भी है, जैसे वे मगर पॉजिटिव हुए हैं नेगेटिव हुए हैं वो अलग बात है, मगर अभी तक पता नहीं, यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि ऑनलाइन ही रहेगी या ऑफलाइन हो जाएगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे मतलब ऐसे मन में लग रहा है, डाउट हो रहा है कि अगले मंडे से हो शायद ऑनलाइन हो सकती है। और बाकी जो जो ग्रुप में लोग पॉजिटिव हुए हैं उनके ग्रुप में, लाइक अभी से ही ग्रुप को 14 दिन के लिए बोल दिया गया कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लास है। और जिनका ग्रुप में अभी तक तो कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है उनको बोल दिया कि आपको जैसे मैनर्स में चलते हैं वैसे ही मैनर्स में चलेगा। तो अभी रात के बज रहे 1:30 और मैं नया के रूम आया था क्योंकि पढ़ाई कर रहा था, और एक साथ दोनों पढ़ रहे थे। कल का टॉपिक भी है हिमोलाइटिक एनीमिया, वो पढ़ रहा था, तो वो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, मतलब मेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी 2-3 पेज रहते हैं, तो वो पढ़ रहा हूँ। और ब्लॉग को यही भी ख़त्म करता हूँ कि आप तो उसके बाद ब्लॉग बना ना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अब भी सेफ रहिए। और यहाँ पे तो कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, तो देखते हैं आगे का क्या होता है। अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तब भी अच्छी बात है। चलो बाय बाय, जय हिंद।